हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जैव शक्ति का सिद्धांत कि आखिर ये जो जैव शक्ति का सिद्धांत है ये किसने दिया, और ये जो सिद्धांत है जैव शक्ति का सिद्धांत, ये सिद्धांत आखिर है क्या। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जैव शक्ति का जो सिद्धांत है ये दिया गया था बर्जीलियस ने, इस सिद्धांत को दिया था। किसने दिया था? बर्जीलियस ने। उसने क्या बताया? उसने यह बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, नेचर के द्वारा बिल्डअप होते हैं, तथा इन्हें संश्लेषित नहीं किया जा सकता, इनको हम संश्लेषित नहीं कर सकते। इस सिद्धांत को ही, इस प्रिंसिपल को ही नाम दिया गया था क्या? जैव शक्ति का सिद्धांत कहा गया। यह होता है जैव शक्ति का सिद्धांत, यानी कहने का अर्थ यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, नेचर के द्वारा बिल्डअप होते हैं, इनको हम सिंथेसाइज या संश्लेषित नहीं कर सकते। इसी को हम नाम देते हैं क्या? जैव शक्ति का सिद्धांत। और यह सिद्धांत दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा। इसके पश्चात जो वोहलर था, वोहलर वोहलर ने क्या किया? इस सिद्धांत को, कौन सा सिद्धांत? जो जैव शक्ति का सिद्धांत दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा, इस सिद्धांत को गलत सिद्ध किया, गलत साबित किया। किस प्रकार से किया? कि सबसे पहले जो वोहलर था, इसने 1828 में क्या किया? यूरिया को संश्लेषित किया। यानी यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि प्रयोगशाला में सबसे पहले निर्मित किया गया जो कार्बनिक यौगिक था वो कौन था? यूरिया। और जो यूरिया है इसका सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये होता है यूरिया का सूत्र। नाम क्या होता है? मैंने आपको यहां आप ध्यान रखेंगे, ये होता है यूरिया। और जो ये यूरिया होता है ये क्या है? यह प्रथम कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में, लैब में संश्लेषित
यानी सिंथेसाइज किया गया। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। किसने किया सिंथेसाइज किया था? किसने? वोहलर ने। कब किया? 1828 में। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये यूरिया होता है इसका जो IUPAC नाम होता है ये होता है एमिनो मेथेनमाइड। ये होता है यूरिया का IUPAC नाम है। किसका? यूरिया का। क्या होता है? मैंने एमिनो मेथेनमाइड। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो प्रयोगशाला में सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने वाला था वो वोहलर था, और वोहलर ने यूरिया के निर्माण को यूरिया के को सिंथेसाइज करके ही बर्जिलियस के द्वारा दिए गए जैव शक्ति के सिद्धांत को गलत सिद्ध किया। अब यहां पर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन परिभाषा के बारे में। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जब कार्बन जिसका प्रतीक होता है C तथा हाइड्रोजन जिसका प्रतीक होता है H, यानी कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोजन से निर्मित होने वाले बनने वाले जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो ये हाइड्रोकार्बन है ये ध्यान रखेंगे आप, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन है ये होते हैं एल्केन। क्या होता है? मैंने यहां पे ये सबसे पहले अपने हाइड्रोकार्बन है कौन से? एल्केन। दूसरे हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? ये होते हैं एल्कीन। और तीसरा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो होते हैं एल्काइन। यानी ये तीन प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। और जो ये एल्केन है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो एल्केन होते हैं इनका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n+2। ये यहां पर फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है किसका? एल्केन का। और यहां जो एल्कीन है एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n। ये हो गया यहां पर एल्कीन का सामान्य सूत्र। अब जो एल्काइन है इनका जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n-2। ये हो गए इनके सामान्य सूत्र। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये एल्केन होते हैं उनमें क्या होते हैं? उनमें केवल और केवल जो एकल बंध है, एकल बंध जिनको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? कि जो एल्केन होते हैं उनमें केवल और केवल क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध प्रेजेंट होंगी। और जो एल्कीन होते हैं उसमें ध्यान रखेंगे आप, उसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? द्विबंध, डबल बॉन्ड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं यानी उपस्थित होते हैं। और जो ये एल्काइन होते हैं उसमें क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड यानी इनमें क्या होंगे? त्रिबंध प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जिनमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं वो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो तो कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रो कार्बन कहलाते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन, जिनमें केवल और केवल क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एकल बंध प्रेजेंट होंगे, वो कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या तो द्विबंध प्रेजेंट हो या त्रिबंध प्रेजेंट हो, यानी कहने का अर्थ है कि एल्कीन और जो एल्काइन होते हैं ये क्या होते हैं, ये यहां पर होते हैं असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये एल्कीन और एल्काइन ये क्या है, अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इनके एग्जाम्पल लें तो देखिए, मैंने यहां पर सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहां लूंगा, उदाहरण ले रहा हूं मैं किसका, एल्केन का। तो सबसे सिंपल जो एल्केन है वो होता है CH4। ये सबसे सरलतम एल्केन है। कब मिलेगा, जब आप यहां पर N का मान 1 रखोगे। तो जो CH4 है इसका जो नाम होता है, ध्यान रखेंगे, इसका नाम होता है मैथेन। और आप जानते हैं कि जो मैथेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये दलदली इलाकों में पाई जाती है। तो ये तो हो गया आपका एल्केन का एग्जाम्पल। अगर आप यहाँ पे एल्कीन का एग्जाम्पल लें, अगर आप यहाँ पे एन का मान 2 रखें तो ये हो जाएगा यहाँ पर C2 और ये हो जाएगा यहाँ पर H4। 2 कार्बन है और आप ध्यान रखेंगे 2 कार्बन वाली एल्कीन ये क्या होती है, एथीन होती है। और आप देख रहे हैं, अगर आप दोनों को ध्यान से देखें, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी क्या कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर आप एल्काइन का एग्जाम्पल लें, अगर आप यहाँ पे एन का मान 2 रखें तो आपको यहाँ मिलेगा C2H2। इसका जो नाम होता है ये क्या होता है, एथाइन। तो ये हो गया एल्काइन का एग्जाम्पल, एथाइन। तो जो तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन तीनों में आप देख रहे हैं इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी ये तीनों किससे बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, संयोजन से। तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। आपने पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोजन से निर्मित होते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, एक्स क्या है, एक्स होता है हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी कहलाते हैं हैलोजन, जिनको हम एक्स के द्वारा दर्शाते हैं। इन सभी के कॉम्बिनेशन से, संयोजन से जिन यौगिकों का निर्माण होता है वे कंपाउंड कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। और जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका अध्ययन, इनकी स्टडी रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, जिस ब्रांच में हम करते हैं, वह ब्रांच कहलाती है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके हम यहां पर एग्जाम्पल लेंगे। तो यहां देखिए, मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल ये लिया जिसका सूत्र है NH2CO और ये है NH2। और आप जानते हैं जो यहां मैंने लिखा है ये क्या है, यूरिया है। और आपको ध्यान है कि सबसे पहले निर्मित किया गया, संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या था, यूरिया। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो मैंने बताया था परिभाषा के अनुसार ये क्या है, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। अगला एग्जाम्पल देखो, मैंने यहां पर ये ले लिया CH3CH2OH। ये जो लिखा है मैंने यहां पर, ये होता है
एथिल एल्कोहल, और जो ये एथिल एल्कोहल है इसको अगर आप ध्यान से देखें, इसमें देखो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी क्या है प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है, यह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनमें से कोई भी प्रेजेंट हो वो सभी क्या कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल, और जो ये एथिल एल्कोहल है आप ध्यान रखेंगे कि एथिल एल्कोहल जो शराब होती है उसका मुख्य अवयव होता है। अगला देखो मैंने एग्जाम्पल लिया यहां पर, ये लिखा CH3, ये हो गया COOH, और ये जो मैंने यहां लिखा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। और जो ये लिखा है मैंने यहां पर एसिटिक एसिड एसिटिक अम्ल, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें कार्बन है हाइड्रोजन है, इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो जो मैंने यहां पर ये तीनों लिखे हैं ये तीनों के तीनों क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, और ये होगी आपके यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब यहां पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है सिग्मा तथा पाई बंधों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो देखिए आप यहां पर ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल है और इजी गोइंग में आपको आराम से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे हम बात करें यहां पर किसके बारे में, बंध के बारे में, बॉन्ड के बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं, और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो बंध होते हैं कार्बनिक यौगिकों में वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा, एकल बंध, और जो ये एकल बंध होता है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होते क्या है, जब दो एटम के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में जब हम केवल एक लाइन खींचे दो एटम के बीच में, तो जो ये एक लाइन आप देख रहे हो इसी को हम क्या बोलते हैं, एकल बंध सिंगल बॉन्ड कहते हैं। दूसरा जो बॉन्ड होता है वो यहां ध्यान रखेंगे वो कौन सा होता है, वो होता है द्विबंध, और जो ये द्विबंध है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डबल बॉन्ड। और ये होता क्या है, इसको दर्शाते कैसे हैं, जब दो एटम के बीच में आप दो लाइन खींच दें, किनके बीच में, दो एटम के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में, तो जो ये बंध होगा वो कहलाएगा क्या, द्विबंध कहलाएगा। और तीसरा जो बंध होता है वो होता है त्रिबंध, त्रिबंध, और जो ये त्रिबंध है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और जो ये ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम दर्शाते कैसे हैं, जब दो एटम के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में आप क्या करें, आप तीन लाइन खींच दें इस प्रकार से, तो जो ये बॉन्ड होता है ये कहलाएगा क्या, ये कहलाता है त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। यानी तीन बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यहां पढ़ रहे हैं सिग्मा और पाई बंधों की गणना। तो यहां एक बार ध्यान रखेंगे कि जहां पर एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें आप ध्यान रखेंगे उसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बंध उपस्थित होता है। सिग्मा बंध को हम, सिग्मा को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, वन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा सिंगल बॉन्ड में, लेकिन जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां ध्यान रखोगे वहां पे वन तो होता है सिग्मा बॉन्ड और उसके साथ में वन होता है पाई बॉन्ड। क्या बताया मैंने कि जहां पर डबल बॉन्ड होगा उसमें एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड और एक होगा पाई बॉन्ड, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें आप ध्यान रखेंगे उसमें एक तो होता है
सिग्मा बॉन्ड और उसी में दो होते हैं पाई बॉन्ड। ये आप यहां पर जो बात मैंने आपको बताई है इसको आप ध्यान रखेंगे गणना के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वन सिग्मा बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड होगा वन सिग्मा वन पाई बॉन्ड, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वन सिग्मा बॉन्ड और टू पाई बॉन्ड क्या होंगे प्रेजेंट होंगी। अब देखिए मान लिया मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं तो देखिए मैंने यहां सबसे पहला एग्जाम्पल ले लिया एग्जाम्पल नंबर वन, और एग्जाम्पल नंबर वन की शुरुआत मैंने यहां तरीके से CH4 से करी, और मैंने क्वेश्चन ये बोला कि जो ये CH4 है इसमें सिग्मा और पाई बंध ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो CH4 है इसकी आप बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो यहां देखिए मैंने पहले लिखा कार्बन, लिख दिया इस प्रकार से, और आप जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है संयोजकता होती है वो 4 होती है, और कार्बन से हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध के द्वारा जुड़ते हैं। तो देखिए इस कार्बन से मैंने इस प्रकार से जोड़ा पहला एच एकल बंध के द्वारा, यहां जोड़ दिया मैंने दूसरा एच एकल बंध के द्वारा, यहां जोड़ दिया मैंने तीसरा एच एकल बंध के द्वारा, और यहां जोड़ दिया मैंने चौथा एच एकल बंध के द्वारा। और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, 1, 2, 3, 4, यानी यहां पर कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई पूरी। अब आपको करना क्या है, काउंट करने हैं कितने सिग्मा कितने पाई। तो मैंने बता रखा है जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगा वन सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखो आप यहां सिंगल बॉन्ड है ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। तो बताइए आप इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है। तो जो ये CH4 है उसमें ध्यान रखेंगे 4 तो इसमें प्रेजेंट है कौन सिग्मा बॉन्ड, और इसमें 0 है पाई बॉन्ड, ये आप ध्यान रखेंगे किसके अंदर। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल CH4 का। अब यहां देखिए मैंने यहां पर अगला एग्जाम्पल लिया एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले रहा हूं यहां पे मैं, और जो ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है इसमें देखिए मैंने आपको ये लिखा इस प्रकार से C2H4 मैंने आपको दे दिया, और पूछा मैंने इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 है और यहां एच जस्ट डबल है 4, तो जस्ट डबल किसमें होते हैं CnH2n, यानी ये क्या है एक एल्कीन है। तो यहां देखो पहले आपको 2 कार्बन है तो मैंने कार्बन और कार्बन लिख दिया इस प्रकार से, क्योंकि एल्कीन है और आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर क्या होगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4, या कितनी वैलेंसी हो रही पूरी 2, तो यहां आप इस प्रकार से 2 एच जोड़ोगे, और आप जानते हैं एच हमेशा जोड़ते किससे है एकल बंध के द्वारा। देखो आप यहां इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी 1, 2, 3, 4, यहां देखोगे आप इस कार्बन की 2 वैलेंसी है, तो यहां आपने जोड़ दिया पहला एच और यहां पर भी जोड़ दिया आपने ये दूसरा एच, तो ये भी क्या हो गया इसकी भी 4 वैलेंसी होगी पूरी। ये होगी इसकी स्ट्रक्चर C2H4 की जिसका नाम है एथीन। अब हम काउंट करेंगे इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो आप इसको फॉलो करोगे तो देखो आप यहां पर यहां सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है वन सिग्मा, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है वन सिग्मा, यहां पर क्या गया डबल डरवन में क्या बताया मैंने वन सिग्मा वन पाई, तो यहां वन तो होगा सिग्मा वन होगा पाई, यहां पे सिंगल है सिग्मा यहां सिंगल है सिग्मा। अब आप काउंट कीजिए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, तो उसमें 5 तो आप देख रहे हैं क्या है सिग्मा बंद है, और पाई देखिए आप यहां पे ध्यान से यहां पर 1 क्या है इसमें 1 क्या है पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इस प्रकार से आप इसमें करेंगे कैलकुलेट। अब यहां पर हम लेने जा रहे हैं
एग्जाम्पल नंबर थ्री, तीसरा एग्जाम्पल। और यहां देखिए मैंने आपको यह दिया कि सी टू एच टू में ज्ञात कीजिए। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला है ये किसका है, ये होता है एल्काइन का, दो कार्बन है तो ये क्या है, यहां पर दो ही क्या है, हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है सी एन एच टू एन माइनस टू। अगर आप यहां पे एल का मान दो रखेंगे तो आपको यहां पर ये प्राप्त होगा। और एल्काइन होते क्या, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो इसमें दो कार्बन है तो ये लिखा इस प्रकार से, पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, क्या होगा इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा दोनों कार्बन के बीच में। अब आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी चार होती है, यहां तीन वैलेंसी होगी पूरी, तो यहां एक आप जोड़ोगे H के द्वारा और आप हमेशा ध्यान रखोगे H हमेशा एकल बंध के द्वारा जुड़ेगा। यहां पर भी क्या होगा, H जुड़ेगा कार्बन से एकल बंध के द्वारा। ये हो गई यहां पर इसकी स्ट्रक्चर एथाइन की। अब यहां पे हम करेंगे कैलकुलेट कितने सिग्मा कितने पाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पे देखोगे आप सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया सिग्मा। यहां देखिए यहां पर आप देखें तो यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, वन सिग्मा और टू पाई, तो यहां वन तो हो गया सिग्मा और टू क्या हो गया यहां पर पाई। यहां देखिए सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया सिग्मा। अब आप काउंट कीजिए इसमें वन टू थ्री, तो उसमें तीन तो यहां क्या हो गए सिग्मा बॉन्ड हो गए पर्यंत। और साथ में आप देखोगे इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, इसमें दो यहां पर क्या है जो पाई बॉन्ड है, पाई बंद है वो इसमें प्रेजेंट है। तो उसमें हो गए तीन सिग्मा बंद और दो पाई बंद प्रेजेंट है। अब यहां देखिए मैंने अपना ले लिया एग्जाम्पल नंबर, यहां ले रहा हूं मैं फोर, और एग्जाम्पल नंबर फोर में मैंने आपको यहां नाम दिया है, ये लिखा मैंने यहां पर ब्यूट वन इन, ये नाम मैंने दे दिया। और मैंने ये कहा कि ब्यूट वन इन में सिग्मा बंद और पाई बंद की संख्या ज्ञात करो। तो पहले हम बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर ब्यूट वन इन की। तो आप देखिए यहां पर ब्यूट, ब्यूट का अर्थ क्या होता है, चार कार्बन। तो देखो ये लिखा है मैंने इस प्रकार से वन टू थ्री फोर, और ये कन्फर्म है चारों कार्बन आपस में जुड़ेंगे ही, तो मैंने पहले से इनको जोड़ दिया। अब आप यहां पे क्या करेंगे, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दो क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बनानी है। तो मान लिया आपने नंबरिंग करी स्टार्ट यहां से वन टू थ्री फोर। अब देखिए आप यहां क्या रहा है इन, अगर एन आता एन तब तो होता सिंगल बॉन्ड, इन आता डबल बॉन्ड, और जहां आइन आता वहां पे होता है ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर क्या आ रहा है इन मतलब डबल बॉन्ड है, कहां पर वन कार्बन पर, तो नंबर वन कार्बन ये है तो मैंने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। अब जो बाकी की वैलेंसी है वो यहां पूरी करोगे आप किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहां देखिए कार्बन की दो वैलेंसी होगी पूरी, दो बाकी रहेगी इस प्रकार से आप जोड़ दिए H। यहां देखिए कार्बन की दो और एक तीन, एक बाकी है जोड़ दिया H। यहां देखो वन टू दो बाकी है, आप इस प्रकार से आप H H को जोड़ेंगे। यहां देखिए वन ही है तो यहां तीन बाकी है, तो आप इस प्रकार से आप यहां पर तीन H जोड़ देंगे। तो ये होगी यहां पर स्ट्रक्चर किसकी, ब्यूट वन एन की। अब आप यहां पे करेंगे कैलकुलेट कितने सिग्मा कितने पाई बंद है। तो देखिए आप यहां पर मैंने बता रखा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल सिग्मा, डबल बॉन्ड में क्या होता है वन सिग्मा वन पाई, सिंगल सिग्मा, सिंगल सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये सिंगल है, यहां पर ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है। और आप जानते हैं कि जहां पर सिंगल बॉन्ड होते हैं वहां पर होता है सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए आप गिनो कितने सिग्मा कितने पाई हैं। देखिए आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, तो उसमें क्या है ग्यारह तो प्रेजेंट हैं सिग्मा
बंद। अब देखिए आप इसमें कितने पाई हैं, पाई इसमें क्या है, इसमें वन पाई बॉन्ड जो है वो इसमें क्या है प्रेजेंट है, इसमें 11 सिग्मा और एक पाई बंद है। 11 सिग्मा वापस देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सिग्मा और वो 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है किसके अंदर, ब्यूट 1 इनमें। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 4। अब यहां पर हम अगला एग्जांपल लेने जा रहे हैं। अब देखिए पहले आप जो यहां पर हम नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कौन सा, उसका नाम है बेंजीन। अगर आप बेंजीन की स्ट्रक्चर देखें तो देखिए आप इस प्रकार से ये होती है बेंजीन की स्ट्रक्चर, और आप जानते हैं इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ये संरचना जो मैंने यहां पर बनाई है ये संरचना किसकी है, ये संरचना बेंजीन की है। अब हम करेंगे क्या, बेंजीन में काउंट करेंगे कितने सिग्मा कितने पाई बंद हैं, और आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहां देखिए आप मान लिया ये कार्बन है, इस कार्बन को ध्यान से देखें तो यहां देखो 2 और 1 3, इस कार्बन को देखें 2 और 1 3, इस कार्बन को देखें 2 और 1 3, यानी आपको 3 वैलेंसी तो आपको साफ दिखाई दे रही है और होती 4 है, तो ये कन्फर्म है कि प्रत्येक कार्बन के पास यहां पर क्या होगा, एक एक एच प्रेजेंट होगा। इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन के पास क्या होगा, एक एक एच प्रेजेंट होगा बेंजीन की संरचना में। तो ये तो संरचना किसकी हो गई, बेंजीन की। अब हम काउंट करेंगे, मेथड अपना वही है। तो देखिए आप यहां पर सिग्मा बंद एकल बंद है, एकल है सिग्मा, डबल है ये एक सिग्मा और एक पाई, सिंगल है सिग्मा सिंगल सिग्मा सिंगल सिग्मा, डबल है सिग्मा और एक पाई, सिंगल सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड आ गया 1 सिग्मा, ये 1 सिग्मा और इसमें 1 पाई, सिंगल है सिग्मा, ये भी सिंगल है सिग्मा। अब आप काउंट कीजिए इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बंद है। तो देखिए आप यहां पर ये हो गया यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें क्या है 12 तो क्या है सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखिए आप इसमें कितने पाई बंद है 1 2 3, और साथ में इसमें क्या है 3 पाई बॉन्ड्स पाई बंध प्रेजेंट है किसमें, बेंजीन की संरचना में। इस प्रकार से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम या हाइड्रोकार्बन में हम सिग्मा और पाई बंध की कैलकुलेशन या गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।